चाहिए। लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ, तो नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक केस इस्लामाबाद मुंतकिल कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त इरसाल कर दी गई। कराची की बैंकिंग कोर्ट में भी इतलाई रिपोर्ट जमा करा दी गई। मुकदमे में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत पर हैं। जाली अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद में चलेगा। नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी। नैब ने मुकदमा इस्लामाबाद भेजने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को इरसाल कर दी, जबकि कराची की बैंकिंग कोर्ट को इत्तलाई रिपोर्ट भी जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, निमर मजीद और जुलकरनैन मजीद अबूरी जमानत पर हैं, जबकि हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद अडियाला जेल में कैद है।